नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्ट्री अड्डा पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम यानी कि रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक में एक बहुत ही मतलब जो उसका डैशबोर्ड होता है, जो आपकी प्रोफाइल होती है, उसमें एक नया नोटिस आया, मिसिंग डॉक्यूमेंट। उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला है। ऐसा क्यों आया और किसके लिए आया, या कि सबके लिए आया, ऐसा कि केवल कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए आया, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो की मतलब वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करना। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी आपको पता है कि बीएसएफ द्वारा निकाला गया है, जो उसकी वेबसाइट थी उसमें एक मिसिंग डॉक्यूमेंट करके रखा गया है, वहां पर पॉपअप खुल के आया है, वहां पर क्लिक करने पर आपको डॉक्यूमेंट दिखेंगे। तो ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, एक मिसिंग डॉक्यूमेंट वाला जो ऑप्शन है, ये एक तरह की आपको लास्ट वार्निंग है, जो भी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक वाले हैं उनके लिए लास्ट वार्निंग है, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म में गलत किया है। क्या गलत किया है? पहली बात, फोटो ब्लर है, ब्लर मतलब कि धुंधली है। दूसरा, साइन सही से नहीं है, पूरा नहीं है, धुंधला है, कटा पिटा है, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि उन्होंने जो अपना फोटोकॉपी जो डॉक्यूमेंट उन्होंने स्कैन करके अपलोड किया है, वो फोटोकॉपी लगा दिया है, ठीक है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं, जिसकी वजह से आप सभी में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट में मिसिंग डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन आ रहा है, ये उनमें आ रहा है जिनमें फोटो ब्लर है, या फिर साइन में दिक्कत है, या फिर फोटो कॉपीज उन्होंने लगा दी है। ये तीन चीज, इसमें करना कुछ भी नहीं है आपको। जहां पर आप जाएंगे, ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा ऐसे क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है, वहां जाएंगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट दिखेंगे, और डॉक्यूमेंट जाने के बाद आप उसको चेंज कर लेना। देखिए, इसका तरीका सिंपल सा है, आपके पास एक लॉगिन आईडी होगा, एक पासवर्ड होगा, इसकी वेबसाइट पे जाना, बीएसएफ की वेबसाइट पे, वहां पर जाना, कैंडिडेट लॉगिन होगा, वहां पर लॉगिन करने के बाद अपना लॉगिन आईडी या पासवर्ड डालना, ठीक है। नीचे कैप्चा लिखा होता है, कैप्चा करना, उसमें लिखा रहता है एक तरह से कि हाँ, रोबोट नहीं, इस तरह का कुछ ऑप्शन होता है। उसके बाद लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद उसके बाद सबसे ऊपर आपके लिखा होगा मिसिंग डॉक्यूमेंट का, क्लिक हियर, वहां पर क्लिक करोगे और आपको सारे डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट देख लेना। उसके बाद अगर उसमें लग रहा है कि कुछ खराब चीजें हैं तो उसको बदल देना, अगर तुमने कॉपीज की हैं तो उसको जेरोक्स कॉपी नहीं लगाना, स्कैन कॉपी लगा देना, कलर फोटो में। साइन अपना अगर खराब लग रहा है तो साइन सही कर लेना, फोटो खराब है तो सही कर लेना। भाई, ये लास्ट वार्निंग है, अगर अब नहीं सही करोगे तो सीधी सी बात है आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल एकदम बता रहा हूँ कि एडमिट कार्ड नहीं है। अब बहुत बोलेंगे कि आप 20 तारीख को एग्जाम होगा कि नहीं होगा। देखो भाई, अभी मैं सच बताऊँ तो अभी कुछ भी नई अपडेट नहीं है, जो पहले डेट चली आ रही है, जहाँ जिससे भी बात करो, विभाग में जिससे भी बात करो, बीएसएफ के दिल्ली में बात करो, हर कोई यही बोल रहा है कि 20 तारीख को ये डेट मान के चलो, 20 तारीख को एग्जाम होगा। मिनिस्ट्रियल के बारे में बात करो तो वो भी यही कह रहे हैं 27 तारीख को एग्जाम डेट के मान के चलो। अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसीलिए मैं अभी कोई SCM पे वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ कि उसमें डेट के लिए भी मैं कंफर्मेशन नहीं कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है, क्योंकि वहां से भी 27 तारीख बोला जा रहा है। अगर मैं आपसे अभी भी 27 तारीख बोलूंगा तो बोलोगे प्रूफ दिखाओ, एडमिट कार्ड नहीं आया, कब आएगा? अब मैं वो कहां से लाऊंगा प्रूफ? मैं अपने से तो बना के दे नहीं सकता, इसे कागज में लिख के दे दूंगा आपको कि 27 को होगा, 27 को। मैं जो वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है 27 को बोला जा रहा है, तो मैं आपके पास फॉरवर्ड कर दिया था, अभी तक उसी पे बना हुआ हूँ अभी तक, इसलिए कोई नई डेट नहीं बता रहा आपको। जैसे कोई नया नोटिस आएगा या कुछ नई जानकारी है उसके साथ भी आ जाऊंगा। तो आरओआरएम वाले प्लीज ये सब चीजें कर लो, अपना लॉग इन आईडी करोगे, लॉग इन पासवर्ड डाल के अपना लॉग इन करके चेक कर लेना, ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। मगर अगर आप चेंज नहीं करोगे तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये तो श्योर है, श्योर है कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो को इस समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।